नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं मोनिका गुप्ता हाजिर हूं आपके सामने अपने इस खास शो पांच का प्राइम टाइम के साथ। आखिर क्या है ये ब्लैक और व्हाइट फंगस, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां और ऐसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के एक पैनल जुड़ेगा जो आपके मन में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर जानकारी देंगे। और हमारे साथ डॉक्टर राहिल भी जुड़ चुके हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। लोगों में कन्फ्यूजन है बहुत चीज़ों को लेकर और ये शो इसीलिए ताकि जो उनकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। ब्लैक फंगस या फिर व्हाइट फंगस, ये जो फंगस है इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं? हालांकि ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, तो ये ब्लैक और व्हाइट ये नाम कहाँ से आया? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि फंगस भी अलग अलग तरह की होती है। जी, एक फंगस होती है जो व्हाइट कलर की होती है और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, हालांकि ये भी एक मिसनोमर है, ये भी व्हाइट कलर की फंगस होती है। जी, लेकिन होता क्या है कि जब म्यूकोरमाइकोसिस या ये म्यूकर जो फंगस है ये आपको इन्फेक्ट करती है, तो जब ये बॉडी के टिश्यू को डेड करती है अपने इन्फेक्शन से, तो वो जो टिश्यूज है वो काले काले दिखते हैं। तो उस कालेपन की वजह से जो टिश्यू में काली अपीयरेंस आती है, इसलिए हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस कहते हैं। जो व्हाइट फंगस है ये एक और तरह की फंगस है, लेकिन टोटली डिफरेंट फंगस है। ये फंगस जो होती है इसको हम कहते हैं कैंडाइडा फंगस। जी, ये फंगस भी ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट कर सकती है। यूजुअली ये मुंह के अराउंड इफेक्ट करती है, ओरल कैविटी, जीभ वगैरह में ये भी इन्फेक्ट कर सकती है। इसमें हमें समझना ये है कि व्हाइट फंगस जो है ये डेंजरस वाली चीज नहीं है। जो डेंजरस वाली चीज है वो है ब्लैक फंगस, जो कोविड पेशेंट्स को ज्यादा इफेक्ट कर रही है। इसमें भी हमें ये समझना है, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जिन पेशेंट्स में शुगर बढ़ती है या जो डायबिटिक्स के पेशेंट्स हैं, उनमें अगर कोरोना हुआ और उन लोगों ने स्टेरॉइड लिया, तो ये शुगर जो है ये अनकंट्रोलेबली हाई हो जाती है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मरीज आते हैं 400-500 की शुगर लेके, और ये जब शुगर इतनी हाई हो जाती है कि इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं होती, ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई रिस्क में होती है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट और आपको कोरोना हुआ है और आप ब्लैक फंगस से बचना चाहते हैं, तो जो मेन चीज आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है शुगर कंट्रोल। जिस दिन से आपको पता लगे आपकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है कोरोना की, उस दिन से जैसे आप अपना ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे हैं, अपनी बीपी पल्स वगैरह मॉनिटर करते हैं, वैसे ही आपको शुगर भी मॉनिटर करनी है कि शुगर आपकी कंट्रोल में रहे। लोगों को ये भी समझना है कि शुगर कितनी कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो हम लोग ये कहते हैं कि फास्टिंग शुगर, जो मान लीजिए पूरी रात आपने खाना नहीं खाया और जो सुबह आप शुगर चेक करते हैं, वो 120 से कम होनी चाहिए, या रैंडम शुगर जो है वो करीब 160-180 से कम होनी चाहिए, तो आपका खतरा बहुत कम हो जाता है। इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे दर्शक इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, ये इनके बहुत काम आने वाली है। जैसा कि आपने पहले बताया था कि जो व्हाइट फंगस है उससे ज्यादा खतरनाक ब्लैक फंगस है म्यूकोरमाइकोसिस, लेकिन लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि विशेषज्ञों के अनुसार व्हाइट फंगस का जो संक्रमण है वो ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, हुआ क्या है कि ब्लैक फंगस की वजह से इतना लोग डर गए हैं कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसकी वजह से भी इसके अराउंड एक इश्यू बन रहा है। मेन जो हमें घबराना है वो ब्लैक फंगस से घबराना है। ब्लैक फंगस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आपको ब्लैक फंगस हो जाती है तो आप कितना जल्दी उसका इलाज कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको पहले ये समझना है कि ब्लैक फंगस में क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। तो इसमें अगर आपको लगता है कि सिर में एक तरफ दर्द हो रहा है, जी, कोविड से रिकवर हो गए, सिर में दर्द हो रहा है आपके, हेलो जी, हेलो, हाँ जी, या आपके चेहरे के एक तरफ सूजन आ रही है, जी, या आपके दांतों में दर्द हो रहा है, दांत ढीले पड़ रहे हैं, या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नोज स्टफी हो रही है, नाक से खून निकल रहा है, आंखों की नजर कम हो रही है, आंखों की मूवमेंट इधर उधर हिलाते हैं वो नहीं हो पा रही, आंखें बंद हो रही हैं, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है, जिसका इलाज इमीडिएटली शुरू होना है। और इसके इलाज में बेसिकली आपको दो तीन तरह के इलाज होते हैं। इसमें सबसे पहले तो एंटीफंगल दवाइयां चलती है, जिसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिसिन भी, लेकिन उसके साथ साथ सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। सर्जरी का इंपॉर्टेंट काम है कि जो भी ब्लैक फंगस से टिश्यू खराब हुआ है उसको टाइमली हटेगा, तब दवाई का असर है।
और साथ में आपके शुगर और स्टेरॉइड्स को भी कंट्रोल किया जाएगा जी। और इसको ये बहुत जरूरी है समझना कि इसका इलाज जो है एक बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है, किसी छोटे हॉस्पिटल में या क्लिनिक में इसका इलाज नहीं हो सकता। आपको एक टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जहाँ पे डॉक्टर्स की पूरी टीम होगी, एक आंखों का डॉक्टर, एक ENT का डॉक्टर, एक पैथोलॉजिस्ट, एक न्यूरोसर्जन, एक इंटरवेंशनिस्ट, ये पूरी टीम मिलके मैनेज करती है और इसका इलाज भी लंबा चलता है। ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, इसका इलाज कम से कम 3 से 6 महीने चलता है, जहाँ पे आपको पहले इंजेक्टेबल मेडिसिन दी जाती है एंटीफंगल, फिर कुछ टाइम के लिए ओरल दवाइयों के रूप में, गोलियों के रूप में खिलाया जाता है। तो जितना जल्दी आप इसको पकड़ के, जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट लेंगे, उतना ज्यादा हम इंसान की जान। डॉक्टर राय, यानी कि 100 बात की एक बात ये है कि हर बीमारी खतरनाक है अगर उसका समय रहते इलाज ना किया जाए, चाहे वो कोरोना हो, ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो। अगर आप अलर्ट हैं, अगर हमारे दर्शक इस शो को देख रहे हैं, अगर वो अलर्ट रहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सावधान रहेंगे तो उनको कोई बीमारी नहीं छू सकेगी। इसका मतलब कि अलर्ट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस की बातें इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं, बशर्ते इसके कि वो जानकारी ले, सही जानकारी। एक चीज आपकी ऐड और करना चाहूंगा जी, कि ब्लैक फंगस में डरना इसलिए जरूरी है कि इसका मोर्टालिटी रेट बहुत हाई है जी। मतलब अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन होगी तो 50 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाएगी, तो इसमें डेथ के चांस बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी इसकी ट्रीटमेंट करनी है जो मेन स्ट्रे रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय मास्क पहनना कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम ये भी सुन रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है लगातार कि मास्क ठीक तरीके से ना पहनने से भी ब्लैक फंगस हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो उसको जरा क्लियर करिए कि मास्क किस तरीके से पहनते हैं और क्या वजह है कि मास्क पहनने से भी ब्लैक फंगस हो रहा है। देखिए, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। देखिए, हमें ये समझना है कि ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स है, जो फंगस का ऑर्गेनिज्म है, वो मिट्टी में मिलता है और हवा में मिलता है, हमारे आसपास फैला होता है। तो जो लोग ब्लैक फंगस से ज्यादा रिस्क पे हैं, जैसे डॉक्टर अजय ने बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, डायबिटीज वाले, जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है, वो लोग जब मास्क पहनते हैं तो ये स्पोर्स जो है ये नाक तक पहुंच नहीं पाते और अपनी जड़ नहीं बना पाते। ऑफकोर्स मास्क आप 24 घंटे तो नहीं पहन सकते हो, लेकिन जितने टाइम भी मास्क पहनते हो, ये मास्क आपको कोरोना से बचाने के साथ साथ वो जो फंगल के स्पोर्स हैं हवा में उनसे भी बचाते हैं। तो उस हद से भी काफी आप अपने आप को सेव कर सकते हो, मास्क का रोल भी इसमें देखा जा रहा है। अच्छा, इसमें ये भी हमें समझना है कि लोग बहुत घबराए हुए हैं, इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है ब्लैक फंगस की। अगर 10,000 लोगों को कोरोना की इन्फेक्शन होगी तो उसमें हमें 2 या 3 केस मिलते हैं ब्लैक फंगस के, तो बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज नहीं है ये ब्लैक फंगस, ये भी हमें समझना जरूरी है। जी बिल्कुल, अब जो दुविधा थी लोगों के मन में वो आपने दूर करी है। और एक और चीज़ लगातार कही जा रही है कि जो दीवारों में, घरों में जो दीवारें होती है, अगर वहां पर सीलन है तो वहां पर भी ब्लैक फंगस पाया जा रहा है और वो भी खतरनाक है, इसमें कितनी सच्चाई है? Well, दीवारों में अगर सीलन है वहां ब्लैक फंगस इकट्ठा हो सकता है, कोई भी तरह का फंगस इकट्ठा हो सकता है, लेकिन अगेन एक नॉर्मल इंसान को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप और हम है उस फंगस को जाके छू भी लेते हैं या हम ब्लैक फंगस के मरीज को भी छू लेते हैं, उसके साथ भी रहते हैं, तो हमें ब्लैक फंगस नहीं होगा। लेकिन जिस इंसान की इम्यूनिटी अच्छी है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो लोग डायबिटिक थे उन्होंने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लिया। अच्छा, एक दो तो चीजें और मैं डालना चाहता हूँ कि बिल्कुल जल्दी से डॉक्टर आयल, क्योंकि समय का अभाव है, मैं चाह रहा हूँ जी। हाँ, कि भाई अगर ये लोग कह रहे हैं कि नलके के पानी से ब्लैक फंगस हो जाता है या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से ब्लैक फंगस है, जिंक से ब्लैक फंगस हो रहा है, इन सब चीजों से भी लोग काफी घबरा रहे हैं। देखिए, हमें ये भी समझना है, ये स्पेकुलेशन है, अभी ये थ्योरीज है, इनको प्रूव नहीं करा गया। अभी भी हमारा मेन स्ट्रे वही रहता है डायबिटिक पेशेंट जिन्होंने स्टेरॉइड लिया, अनकंट्रोल्ड शुगर, वो सबसे ज्यादा रिस्क है। बिल्कुल डरना नहीं है, ना ही अफवाहों पर ध्यान देना है, सिर्फ जरूरत है अलर्ट रहने की, सही जानकारी लेने की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर अजय, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ इस वक्त ये शो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये तमाम जो टिप्स हैं उनके बहुत ही काम आएंगे। और जनतंत्र टीवी की कोशिश है कि आप तक हर संभव मदद पहुंच सके, इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। तो ब्लैक फंगस से अलर्ट रहें, स्टेराइड का सही तरीके से इस्तेमाल करें और डॉक्टरों की सलाह पर ही इस्तेमाल करें। कोविड मरीज को ऑक्सीजन देते समय उसका पानी रोजाना बदला जाए, दिन में 2 बार नाक को सलाइन से धोएं, ये कुछ टिप्स हैं जिनका रखना है ख्याल। फिलहाल आज इस बुलेटिन में था ही, अगली बार मैं फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।